गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो आज की सुबह होती है मेरी नाश्ते के साथ। मम्मी आए हुए थे घर पे, उनके लिए मैंने बना दी चाय फटाफट से और बना दिया एक बेसन का चीला, क्योंकि उनको शुगर है तो बेसन का चीला ही उनको सुबह सुबह खाना होता है, या फिर ओट्स वगैरह खा सकते हैं। मेरा तो यही काम है। बढ़िया बन गया। क्या बनाया? पूरा बेसन। जा रही हूँ साग लेने। हाय गाइस, और सीज़न का बन रहा है पहला साग। हमारे घर पे पहली बार बना रहे हैं साग, तो देखते हैं कैसा बनता है और आप सबको भी खिलाऊंगी साग। चलिए, सामने कुछ लड़ाई हो रही है, पता नहीं किसकी लड़ाई हो रही है, क्या हो गया दिखाती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ साग लेने, और रास्ते में किसी की लड़ाई हो गई थी, मुझे पता नहीं क्या है, किसकी लड़ाई हुई पता नहीं, शायद कोई हस्बैंड वाइफ है, उनकी लड़ाई हो गई थी रास्ते में। तो अभी जा रही हूँ साग। अरे यार, ये सब्ज़ी वाला तो मुझे रास्ते में ही मिल गया, देखती हूँ उनके पास मुझे क्या क्या मिलता है। भैया साग है? हैगा जी, हैगा। क्या रेट है साग? 20 की गुच्छी है। 20 की? अच्छा है साग, कहाँ पे है? बड़े बड़े पत्ते नहीं है ना इसमें? और फिर ये जो कच्ची नहीं मिलेगा, ये देखो कितनी कच्ची है। अच्छा, बड़े वहाँ ऑर्डर तीन गुच्छी दे दो फिर, अच्छी अच्छी देना। मैं कह रहा हूँ साग में कोई समय तो एक दिन के तो हूँ नहीं, मैं तो परमानेंट वाले बंदे हूँ। पालक 20 की है, मेथी भी 20 की है, दो पालक। सो गाइस, मुझे साग लेने के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा, रास्ते में एक रेडी वाले भैया जा रहे थे तो उनसे ही मैंने साग ले लिया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा साग मिल गया, और साथ में मैंने मूली भी ले ली। और बस आ चुकी हूँ घर पे साग लेकर, और मम्मी बस अभी बना देंगे फटाफट से, क्योंकि मेरे पास तो बेबी है, मैं नहीं बना सकती साग, और वैसे भी पूरा दिन निकल जाता है इसको साग बनाने। गंदा बच्चा, गंदा बच्चा, गंदो गंदो गंदो। साग वैसे बढ़िया है ना, ताजा ताजा साग बढ़िया, सही रेट लगा लिया है, बढ़िया है। तो यहाँ पे मम्मी काट रही है साग को, और साग काटने के लिए ना बहुत ज़्यादा बड़ा बर्तन चाहिए होता है, जितना ज़्यादा साग होता है उतना ही काम बढ़ जाता है मतलब। तो सीज़न का पहली बार साग बना रहे हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था साग इसके बाद का बता रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में काफ़ी दिनों बाद कर रही हूँ। साग तो हमने पहले बनाया था, और अब मेरा दोबारा भी मन करने लग गया साग खाने के लिए। तो यहाँ पे देखो काका भी कितना सारा खेल रहा है, गंदा बच्चा, ये भी बहुत ज़्यादा नोटी हो चुका है, अब इतना ज्यादा शरारती हो गया ना इसको, ऐसे रहता है कि हर टाइम मेरे पास कोई ना कोई हो और मेरे से बातें करते रहो। गंदा बंदा, ओए गंदा बंदा, होगी शिकायत नहीं 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 होगी शिकायत की, ओले योना जा सुमित। सो गाइस, सुहान को मैंने यहाँ पे सुला दिया है, और मैं और मम्मी सुहान के साथ खेल रहे थे यहाँ पे, ऐसे ही मस्ती कर रहे थे। मम्मी साथ साथ साग भी काट रहे हैं, तो फटाफट से बस अभी रख देंगे साग को बनने के लिए, और फिर शाम तक बनता है साग। अगर सुबह रखो ना तो शाम हो जाती है साग को बनते बनते, अभी 10:30 हो चुके हैं। तो सुहान को मैंने नहला दिया, बस अभी मैं इसको फीड करा के थोड़ी देर तक मैं इसको सुला दूंगी, अभी तो ये खेलने के मूड में है तो खेल रहा है हमारे साथ ये। उसके बाद मैं ले आई थी केक अपने लिए डालकर, क्योंकि मुझे लग चुकी थी भूख, और मैंने सोचा कि चलो केक ही खा लेती हूँ मैं। तो फिर ये जो वीडियो है ये काफ़ी दिनों का पड़ा हुआ था मेरे पास, ड्राफ्ट में सेव था, तो मैं आज इसका वॉइस ओवर करके इसको अपलोड कर रही हूँ। और केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, केक था मेरे बर्थडे वाले दिन का। और यहाँ पर मैं कर रही थी कुछ अपना वीडियो शूट, करवा चौथ के लिए मैंने अपना मेकअप वीडियो शूट करना था, तो उसी का सेटअप मैंने यहाँ पर लगा रखा था। तो सारा सामान मैं पहले से ही यहाँ पे रेडी करके रख लेती हूँ, दूसरे रूम जो है मेरा वहाँ पे मैं अपना मेकअप शूट वगैरह करती हूँ, कोई भी वीडियो मुझे बनाना होता है तो मैं अपना दूसरे रूम में ही जाकर बनाती हूँ। और ये देखो मेरा मेकअप हो चुका है, यहाँ पे बताना जरूर कैसा लगा। मम्मी कर रहे हैं अपनी बहन से बातें यहाँ पर, और
ना बाबू कागलोची छोड़कर ना दुद्दू भी ना सी दुद्दू अरे करके नहीं दुद्दू भी ना सी कोई ना सी दुद्दू चलो दुद्दू भी बाय कर दे बाय बोलो हम बाद में बात करेंगे। मम्मा ने वीडियो बनाई सी और मैं उठ गया सी अब हम करेंगे पहली बातें। तो गाइस अब मैं आई हूँ वीडियो बना के। मैंने आज एक मेकअप वीडियो शूट की है तो साड़ी लुक में उनके लिए की है जिनको मेकअप बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए मैंने एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को फुल देख सकते हैं और एक लंबी वीडियो बनाई है ताकि उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबको बता सकूँ कि मैंने मेकअप कैसे किया है स्टार्टिंग से फॉर करवा चौथ के लिए, क्योंकि आगे करवा चौथ आ रहा है। मतलब कुछ लेडीज़ को मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है बट उनको आता नहीं है कि कैसे करें मेकअप स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें मैंने उस वीडियो में मैंने अपना सारा स्टेप बाय स्टेप मेकअप बता रखा है कि मैंने कैसे कैसे इस चीज़ को क्रिएट किया है। मम्मा कहाँ बन गई सी? वो कहाँ बन गई मम्मा? मम्मा कहाँ बन गई सी? अरे लड्डू तो ऐसी इतना सुंदर लग रहा है ना, मेरे लड्डू तो ऐसी इतना सुंदर लग रहा है ना। दिन बातें करो सारा दिन बातें, मम्मी ने वीडियो बनानी है सारा दिन बातें करे दादी तो बच सारा दिन करो फिर बातें करो बातें बोलो बोलो फिर ओ बाहर चले बाहर चले चले बाहर बाहर बैठे बाहर बुर बैठे फिर हाँ जी दुद्दू तो अभी भी है अभी भी है बुलाएगा बोलो फिर मैं नहीं बोलती बोलती ना भाई क्यों बोलूं मैं सारा दिन बोले आप ही बोलेगा सो गाइस सारा काम डन होने के बाद उसके बाद मैंने साग को कर दिया वॉश अच्छे तरीके से, क्योंकि अगर साग को अच्छे तरीके से नहीं धोते हैं ना तो साग में मिट्टी मिट्टी सी रह जाती है तो फिर बिल्कुल बेकार बनता है साग। तो साग को बहुत ही ज्यादा अच्छा काटना भी होता है अच्छा धोना भी होता है और अच्छा बनाना भी होता है तब जाके साग का भी अच्छा बनता है। तो मैं यहाँ पे साग की तैयारी कर रही हूँ साग को धो के अच्छी तरह से और फिर मैं साग को बनने के लिए रख दूंगी, क्योंकि अगर बनने के लिए रख दूंगी तो 3-4 घंटे तो ले ही लेगा साग बनने के लिए और फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है साग बनाना पर टेस्टी में बहुत ज्यादा होता है सच्ची में ना। तो चलिए अब बना लेती हूँ मैं साग फटाफट से और फिर साग रख के हम लोग सारे सो गए थे दोपहर को 3 बजे हम सो गए थे सब लोग ना दोपहर को। तो चलिए अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होप सो कि आपको आज का वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाया करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।